जो वादे हैं सरकार के वो सादे वादे बहलाने के लिए हैं, वो दिखाने के लिए हैं। अमली तौर पर आम किसानों को कोई फायदा मिला नहीं। मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, लेकिन सबके विकास में उन्होंने 11 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है बड़े कारपोरेट्स का। लेकिन जहां तक किसानों का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर पेश कश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जो वहीं पर जो कर्जा है उसको माफ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वजह किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल है। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और हमारी मांग है कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज की गई है, सिफारिश की गई है, 1.5 गुना जो लागत आती है एक किसान को अपनी पैदावार पर, वो मुआवजा मिलना चाहिए हमारे सेब को। दूसरी मांग हमारी ये है कि जहां तक जो चेन ऑफ स्टोरेज है, फैसिलिटीज है, क्योंकि कब कैसे फसल तैयार हो जाए, मंडी में कब पहुंच जाए, तब तक कहीं पर महफूज जगह पर रखने के लिए और वक्त पर बाजार में बेचने के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। स्टोरेज की फैसिलिटीज है बड़े बड़े ताजरों को, लेकिन आम ग्रोवर्स या छोटे जो ताजर है उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है।